हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कानागिरी ब्लॉग। काना के कानागिरी ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। तो मैं पहुँच चुका हूँ शिरडी के बाहर, मंदिर के ठीक सामने मेरे पीछे मेरे गेट हैं, और जिस जगह पर मैं खड़े होकर वीडियो को क्रिएट कर रहा हूँ, सामने का देख लो यार, कितना अच्छा लगेगा। आई लव शिरडी। मैं ब्लैक हो गया क्योंकि मेरे अपोजिट में लाइट थी इसके लिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं। हम लोग मतलब यार दो लोग चलिए, अगर हम लोग नहीं तो मैं हूँ इस टाइम में मंदिर के गेट के ठीक सामने। ये है वेटू पियारो। पियारो से हम लोग ने बात कर लिया यहाँ के, तो उन्होंने हम लोग को रिक्वेस्ट करके उन्होंने हमको माना किया। बोले सर अगर आप नेक्स्ट मंथ या जैन में अगर आप आएंगे, सामने है मोबाइल लॉकर, कैमरा लॉकर, तो आपको यहाँ पे आके जमा करना। इसका आपको सर अमाउंट नहीं है, या 5 रुपये रहेगा मैक्स टू मैक्स। और हम लोग अभी चल रहे हैं शिरडी के अंदर गेट के, ये हम लोग हैं गेट पे। तो चलिए चलते हैं। चलो गेट नंबर 1 क्लिक करके दिखा दो। ये है गेट नंबर 1। अंदर कैमरा मोबाइल कुछ अलाउ नहीं है। चलते हैं, उसके बाद आएंगे तो कुछ सिनेमैटिक सीन में आपको दिखाऊंगा। पहले हम लोग गए थे ये फेड पास लेने के लिए, लेकिन उन्होंने बोला कि भाई देखिए कोई मतलब नहीं है, 2 मिनट बिफोर रहेंगे सबसे। लोगों को 10 मिनट लग रहे हैं तो आपको 8 मिनट लगेगा, तो इससे अच्छा है कि ठीक है 2 मिनट वेट कर लेंगे। हाँ, फेड पास का जो अमाउंट है 200 रुपये, पर हाँ कोविड चल रहा है इसके वजह से लाइन बहुत कम है, लाइन ना के बराबर है। लेकिन अगर आप नॉर्मल टाइम पे अगर आएंगे तो ऑफकोर्स 200 रुपये पास लेना बेस्ट है, क्राउड नहीं रहेगा। ना कि आप देखेंगे जब मैं ऊपर करूँ कैमरा, आप समझ जाएंगे। इसको क्या बोलते दादा? आईडी फाइडी प्रिंटिंग है। प्यार से यहाँ पे लिखा है आई गया है, और ठीक इसी के बाजू में साईं बाबा का कलश है। ये सॉरी मैं आपको अंदर नहीं ले जा पाया हूँ, लेकिन आपको यहाँ से मैं दर्शन करवा देता हूँ। जो मंदिर का कलश है, निकाल देता हूँ, जो मंदिर का कलश है तो मैं आपको उसकी दर्शन करवा देता हूँ। एट बैक साईनाथ महाराज की जय। प्यार से यहाँ पे लिखा है आई लव शिरडी। इसके अंदर साईं बाबा का घर, जो उनकी समाधि थी, वो सबको दिखाया गया है। और ठीक इसी के बाजू में है साईं बाबा का कलश, ये देख लीजिए। अभिषेक मेरा सामने से फ़ोटो खींच रहा है, लेना भाई, रुक जाता हूँ ना भाई। बहुत अच्छी, बहुत प्यारी और बहुत सुकून वाली जगह मिली। कैसा कमर मटका हुआ भाई, नहीं अच्छा है वापस अभिषेक एक बार नहीं भाई, जब
लाइट ही नहीं आ रहा। जब नहीं अच्छा आया तो भाई नहीं अच्छा आया, क्योंकि अगर जो चीज़ मुझको नहीं पसंद आएगा तो आपको वो चीज़ पसंद नहीं आएगा। परफेक्ट कब से को पसंद नहीं आया, आएगा ही नहीं फिर यहाँ पर। नहीं भाई आना चाहिए, वो सिर्फ सुबह में हो सकता है, वो यहाँ पर सिर्फ सुबह में हो सकता है। काश मैं कैमरा लेके आया होता, लेके आऊँ क्या? नहीं क्योंकि ना खाना ऑलरेडी 9 बजने वाला है, 9 बज चुके हैं, 10 बजे की बस है। यहाँ से खाना खा के होटल जाना है, होटल से फिर वापस रिटर्न आके यहाँ से बस पकड़ना है, तो बहुत ज़्यादा है। पर मैं भाई एक घंटा ख़राब करूँगा, मतलब करूँगा। हम लोग लेट हो चुके थे इसके लिए प्रसादालय में खाना तो नहीं मिल पाएगा, पता हो चुका है। हाँ पर मैं आपको दिखाने ज़रूर चलूँगा। अब आ जाते हैं रेस्टोरेंट में खाना खाने। कौन से रेस्टोरेंट में हम लोग? फूड कॉर्नर, फूड कोर्ट। ओके चलो ठीक है, लाइट भी परफेक्ट है, वीडियो बन सकता है, मज़ा आएगा वीडियो। चलो इनमें बैठते हैं, कुछ ऑर्डर करते हैं, मंगाते हैं। जो यहाँ पे जो दिख रहा है बेस्ट है दिखने के लिए, खाने के बाद पता चलेगा भी आपको, ठीक है। अपने रेस्टोरेंट में जब खाना मंगाया है तो कभी मेरे नज़र में तो ये पहली बार शायद ऐसा आ रहा है, क्योंकि जब चाइनीज़ मंगाते हैं, अभी से कुछ और मंगाया, मैं चाइनीज़ मंगाया हूँ। वेज सोया सॉस है, रेड चिली सॉस है, कि एक और सॉस है पता नहीं कौन सा सॉस है, और तो एक विनीगर है। मेरे को देख के बताओ ना कौन सा सॉस है। ये तो सबको पता है, ये भी पता है कि ये दोनों में कन्फ्यूज़न है। तो फाइनली मेरा आ चुका है, चलिए खाते हैं फिर आपसे वापस मिलते हैं। ये समझ सकते हैं कि कितना बेस्ट जगह पे हम लोग खाना खाने बैठे हैं, सामने से दर्शन हो रहा है, यहाँ पे खाना खा रहे हैं। तो ठीक है, खाना खाने के बाद हम लोग यहाँ से जाएंगे प्रसादालय, प्रसादालय से अपने होटल में, होटल से बैग लेंगे बस के लिए, बस पकड़ने के लिए चलेंगे। चलिए होटल में खाना खाने के बाद पेट भर गया, मज़ा आ गया, सब कुछ अच्छा था, मेरे को भी ऐसा लगा शिरडी का बहुत अच्छा होटल ही है। तो ठीक है एट लास्ट ये पी रहे हैं चॉकलेट बॉर्नविटा है ये। टेस्ट अच्छा था, 8 दिन हुआ। हाँ तो भाई एक नंबर चलेगा आपका, आप टेंशन मत लेना। मेन्यू कार्ड है, होटल का नाम मैं आपको बता देता हूँ, श्री साईंराज रेस्टोरेंट, 100% प्योर वेज है। स्टार्टिंग में बता दिया 5 नंबर गेट के ठीक सामने है, जहाँ पे बड़े में लिखा हुआ है श्री साईं बाबा मंदिर कॉम्प्लेक्स के ठीक सामने। इसको खुल के जस्ट 8 दिन हुआ है, लेकिन जो इसका टेस्ट है बहुत औसम था, बहुत मज़ा आया, ऐसा लगा कि और खाए पर लेकिन पेट भर चुका था। ठीक है भाई ये तो पी चुका, मेरा भी पूरा स्टार्टिंग से बाकी है, तो मैं पीता हूँ फिर चलते हैं। ठीक है हम लोग निकल चुके हैं, खाना खा के हो गया है, मंदिर का दर्शन कर चुके हैं। आपको स्पेशल जगह लेके चल रहा हूँ, क्योंकि मेरा बस का टाइम हो चुका, मैं लेट हो रहा हूँ, पर मैंने प्रॉमिस किया था इसके लिए मैं लेके चल रहा हूँ। चलिए प्रसादालय चलते हैं, यहाँ से 2 मिनट की दूरी पे है पैदल, पर एक्चुअली थोड़ा सा हम लोग लेट हो गए, इसके लिए हम लोग को रिक्शा करना पड़ गया है। आवाज़ मेरे को लग रहा है रिक्शा का बहुत ज़्यादा आ रहा है, खरका 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 कर रहा है। तो ठीक है कुछ नहीं सिर्फ वहाँ पे चलना है और इधर आना है, ठीक है। तो हम लोग वहाँ पे जाएंगे, यू टर्न करेंगे, फिर आपके लिए चल रहा हूँ, आप लोग को दिखा के वहाँ से वापस रिटर्न आएंगे, ठीक है। चलिए ये एंट्रेंस गेट है, ये एंट्रेंस गेट, हाइट देख लीजिए, आगे से आगे। गाइस सॉरी यार, उतरा था मैं आपके लिए, लेकिन अंदर जाना अलाउ नहीं है,
वीडियो में रनिंग में आपको देखना पड़ेगा, सामने ही है, बहुत प्यारा लगता है वो जगह। लेकिन ठीक है, चलो काका ये तो ठीक है, हम लोग अब चल रहे हैं होटल और मिलते हैं आपसे सीधा होटल पे। बाय। पहुंच चुके हैं होटल में, प्रसाद दे चुके हैं आप लोग के लिए, जब मिलेंगे प्रसाद के साथ मिलूंगा आप लोग से। तो ठीक है, फटाफट हम लोग यहाँ से चेकआउट करते हैं क्योंकि टाइम भाई सिर्फ लास्ट 10 मिनट बाकी है, तो चलिए चलते हैं। फाइनली टाइम हो चुका है चेकआउट करने का, बस अराइव होने वाली है, तो चलो गेट को बंद करते हैं। लॉक चाहिए नहीं तो खुलेगा। एक सेकंड। बाय होटल। ठंडी लग रही है, आज का टेम्परेचर कितना है? 18 भाई। ₹1800। ठंडी बहुत ज़्यादा लग रही है भाई। हम लोग पहुँच चुके हैं अपने बस स्टॉप पे, जहाँ से बस छूटने वाली है, बस पीछे तैयार है। चलिए बस में बैठते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। चलो चलो, बस का टाइम हो चुका है, निकलते हैं बस में, कुछ लोग उतर रहे हैं। चलो चल भाई। ओके परफेक्ट। C3 C4 चलेगा, कोई बात नहीं। चप्पल कर देते नीचे, पिछड़ जाते हैं ऊपर। एक सेकंड फिर चढ़ते हैं ना। बाय बाय साईं बाबा। ये ठीक पीछे मंदिर है और ये मंदिर वाली रोड है। साईं बाबा की जय। हम लोग बैठ चुके हैं बस में, और क्या नई बस है तो ठीक है। ओम साईं राम। हेलो एवरीबॉडी, आपका नाम? डॉली। कहाँ से? मुंबई। बॉम्बे। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, टीजी डॉली से था। ओके ओके, लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, मिल जाएगा पक्का। तो ठीक है, साईं बाबा शो मी। ओहो ओहो, ये देखो, बहुत बड़े भक्त हैं साईं बाबा के, ऐसा इन्होंने बोला। ठीक है, कोई बात नहीं। उन्होंने जो हाथ पे डिज़ाइन बनाया था उससे दिख रहा था कि उन्होंने पूरे हाथ पे साईं बाबा का डिज़ाइन किया है। तो ठीक है, हम लोग टैटू। यस परफेक्ट यार। हाँ ठीक है, दैट्स कॉल्ड टैटू ब्रो। लाइट बहुत प्यारी लग रही है, असम है, एक नंबर है। मैं भी साईं बाबा का बहुत बड़ा भक्त हूँ, इधर दिखा है देखो। इसने अभी फोटो लिया है, ये मजाक कर रहा है, अभी डाला है, मैं देखा मेरे सामने लिया था, एक अंकल से बोलता दे दो ना प्लीज, उन्होंने दे दिया। ठीक है, हम लोग बैठ चुके बस में, बस का कॉस्ट मैं आपको बता देता हूँ, 700 रुपीज़। शिरडी टू मुंबई बेस्ट है, चीप रेट है, बहुत बेस्ट है। क्या बात कर रहे हो? ओह नो, झूठ बोल रहे हो। तो ठीक है, अब शिरडी से बस निकल चुकी है बॉम्बे के लिए। बीच में बस कहाँ रुकती है वो भी बताऊँगा, जो आप सामने देख रहे ना ऊपर, क्योंकि इसमें तो नहीं दिखने वाला है एक्चुअली। समझ गया होगे यार, अब इतना भी बताना पड़े तो फिर। नीचे रोड है, यहाँ बिल्डिंग नहीं है, और ऊपर अगर अकेला कुछ दिखेगा लाइट जलता तो क्या होगा? ऑफकोर्स चंदा मामा। बस पहुँच चुकी है इगतपुरी, ठंडी तो भाई बहुत ज़्यादा है। हॉल्ट पे है, कुछ लेते हैं, खाते हैं, फिर रिटर्न आते हैं। तो चलो। ओह नो, ये बस है हम लोग के पीछे वाली, कम से कम यहाँ पे 15 से 20 बस खड़ी है। मतलब भाई ठंडी की वजह से ना फॉग हो जा रहा है कैमरे पे, और एक्चुअली में अगर मेरे को ठंडी लग रही इसका मतलब ठंडी है। कहाँ गया अभिषेक? हाँ भाई ले जल्दी, गरम निकल रहा है ना भाई, गरम वड़ा पाव भाई ने निकाला। अब लेते हैं, क्योंकि अभी इसके पहले मैं बोल दिया था भाई मज़ा नहीं है, ठंडा बोले तो कल का रहेगा। चलो
ठंडी एक्चुअली में भाई बहुत ज़्यादा है। ओके तो चलिए चलते हैं अपने सीट की ओर और बैठते हैं। मतलब भाई पहले से जगह हड़प के बैठ चुका है, शर्म भी नहीं आई। चलो 2:30 बज रहे हैं, 2:30 बज गए ना, परफेक्ट। 2:40 हो रहे हैं, 2:30 नहीं बज रहे, 2:40 और 10 मिनट आगे है, बैक बोल दिया। चलिए आराम करते हैं, बस भी यहाँ से कुछ देर में निकलेगी, मुंबई पहुँचते फिर आपसे बात करते। फाइनली बोरीवली उतर चुके हैं, बस जा रही है। ओ ये चलो अब चलते हैं रेलवे स्टेशन। बाल थोड़ा बिगड़ चुका है, हम लोग पहुंच चुके हैं बोरीवली स्टेशन। नहीं है आपको भी दिख रहा होगा। चलिए यहाँ से पकड़ते हैं लोकल। ओके चलो फाइनली पहुंच चुका हूँ महिंदर, ट्रेन पहुंच चुकी है स्टेशन पे। मेरे पीछे आपको दिख रहा है, आगे दिखाऊंगा तो मतलब नहीं है। यही ओ एकदम ठीक सीढ़ी के सामने हूँ। चलो मिलते हैं, चलो नेक्स्ट डे मंडे या ट्यूसडे। चलो चलो मिलते हैं, ठीक है। फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ भाई स्टेशन और मैं अब रिक्शा पकड़ूंगा और अपने घर की तरफ। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, जो भी होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एट लास्ट वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है, क्योंकि मुंबई टू शिरडी, शिरडी टू मुंबई टोटल कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो में। आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, अच्छा लगा होगा। आप लोगों उस पर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लोगों को शेयर करिए, खुद लाइक करिए, कमेंट करिए। तो ठीक है, यहीं से आप लोग को बाय बोल देता हूँ। अब हम लोग निकल चलते अपने घर की तरफ, बाय। यार कितने लोग अपनी गाड़ी को छोड़ के जब जाते हैं और जब रिटर्न आते हैं, मतलब दिल में ना क्या प्यार जगता है यार उसके लिए। आज मैं कितने दिन के बाद मेरी गाड़ी को देख रहा हूँ, कम से कम आज 10 दिन हो गए मैंने बेचारी को चलाया नहीं। अब आज जाऊँगा, टंकी फुल करूँगा, एकदम परफेक्ट है ना भाई। टेंशन मत ले, तेरा भाई आ गया है। चलो आके तुमसे फिर मिलते हैं, चलो चलते हैं।